स्लो चल रहा है ट्रक। तो ऐसे आप गाड़ी चलाते रहे, नंबर दिए हुए हैं, रोड का नंबर भी दिया हुआ है, इवन बीच में रोड पे ऊपर भी नंबर लिख देते हैं कि कौन सी लेन जा रही है। और एक आपको गूगल मैप यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। गूगल मैप आपकी बहुत हेल्प करता है। गूगल मैप अब देखो हम इससे रास्ता देख के जा रहे हैं कि किस साइड को जाना है, जैसे जैसे जाना है उसी रोड को पकड़ेंगे। अभी हम है M6 पे, ये मोटर तो ये भी हमें बता देता है कि आप सही चल रहे हो या गलत चल रहे हो, सब कुछ बता देता है। आप बीच में से रोड निकल जाती है लेकिन हम अपने अपने M6 पे जा रहे हैं जब तक कि हमें एग्जिट नहीं लेना। अब हमें बता रहा है कि 94 माइल्स के ऊपर, ये दिखाओ एक बार, 94 माइल्स के ऊपर हमने एग्जिट लेना है और फिर हमने जाना है A702 रोड पे। तब तक हम इस पे सीधा चलेंगे, वो जो A702 रोड है वो जाती है एडिनबर्ग को, तो फिर एडिनबर्ग वाली रोड पे चल जाएंगे। M6 जो मेन हाईवे है उसके ऊपर है, फिर हम शॉर्ट में एक लिंक रोड पे चले जाएंगे। तो इस प्रकार से मजा लेते हुए, नेचर का एंजॉय करते हुए और गाड़ी चलाने का बड़ा मजा आ रहा है। तो और गाड़ी मुझे तो अच्छी गाड़ी मिली है, ऑटोमेटिक गाड़ी है, और दिखाओ ना ये ऑटोमेटिक सिस्टम है इसका, ऑटोमेटिक गाड़ी है सारी। सिर्फ अपने को क्या करना है, ड्राइव मोड पे डाल दिया, एक्सीलेटर पे पर रख लिया और चलाते रहो। कोई आपको गियर का प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं करना। कम आती है तो ट्रैफिक है तो आप थोड़ी स्पीड कम कर लो, वहीं रुक जाती है। ब्रेक पे पैर रख कर आप एक्सीलेटर दबा देते हो, एक्टिवा स्कूटरी, हाँ समझो एक्टिवा ही लग रही है, तो बढ़िया है। पहली बार चलाई मैंने तो कभी ऑटोमेटिक चलाई नहीं, अपने पास घर देसी गाड़ी होंडा सिटी है उसमें तो हम तो वो मैनुअल चलाते हैं गियर लगा लगा के, इसमें ऑटोमेटिक चला रहे हैं। तो पहले तो मुझे ऑटोमेटिक चलाने में थोड़ा सा एक हेजिटेशन हो रही थी, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। तो अब हाथ पे चढ़ गई है तो स्मूथली चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो जरूर रेंट करनी चाहिए, मैं रिकमेंड करता हूँ। और जो रोड ट्रिप है उसका अलग मजा है। अगर इफ यू आर अ क्रेजी और इफ यू आर अ वेरी पैशनेट ट्रेवलर, देन डेफिनेटली आई रिकमेंड द रोड ट्रिप। और रोड ट्रिप यूरोप में हो, यूके में हो, तो फिर तो मजा ही आ जाता है यार। तो करो एंजॉय और घूमो। ये हमारा लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस है जो हमने लिया है, हमेशा याद रहेगा हमें। हाँ जी, क्योंकि हमने जो सेल्फ याद रखते हैं कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो जिंदगी की करो एंजॉय, घूमो और मजे लो। प्राइवेट लाइफ में टेंशन तो रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगी, बहुत सी चीजें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, अप डाउन आएंगे, ठीक है वो पार्ट ऑफ द लाइफ है, लेकिन जितने दिन है वो अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए, घूमना चाहिए। तो होप करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस जो है अच्छी लग रही होगी और डेफिनेटली लगेगी क्योंकि व्यू इतना अच्छा है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। इधर सारा है ना, हुण आप पेड़ नहीं आगे लेकिन बड़ा हो जा रही है, अच्छा लग रहा है। देखो आप हो ही नहीं सकते बोर, आप सोच ही नहीं सकते आप कि ना कितना अच्छा व्यू है, जन्नत है, जन्नत है। चलो ठीक है, कर दो लैंड। अभी थोड़ा क्लाउडी है शायद, इतना मतलब क्लियर नहीं होता होगा, है ना वीडियो में। तो यहाँ पे हम रुके थे पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप पे सेल्फ सर्विस होती है, आप वहाँ से कैश अपने आप डाल रहे हैं, कहते हैं कि ये क्लिक की आवाज़ देगा या फुल हो जाएगा। तो अभी जब फुल हो जाएगा तो देखता हूँ कितना इसमें डलता है। ऑटो कट हो जाएगा ना, ऑटो कट बोल रहे हैं। तो अभी खुद से ही हम फ्यूल डाल रहे हैं, डन फुल हो गया, डन फुल हो गया। उसके बाहर यहाँ पर तेल अपने आप ही डलवा लो ईमानदारी से, उसके बाद पे वहाँ करके आना अंदर। इसको यहाँ रख दिया, कितना 30 point something देना है मुझे। ये हो गया फुल, बंद कर दिया अब। अच्छे से बंद करो। हाँ जी, अब पे करना है वहाँ पर जाके। ओके, तो अपने कैश दोगे कार्ड से? कैश कैश भी नहीं, लेकिन कैश है। तो ये देखो मतलब पहला एक्सपीरियंस है, अपने आप तेल डालो अपने मन में। वो पे आपका
वहां बाहर भी तो कार्ड था शायद। ये साफ स्टोर भी है, कुछ अपने खाना है, कुछ ड्रिंक लेनी है, कुछ कॉफी लेनी है तो भी आप ले सकते हो। और यहाँ पे हम पे करेंगे, अभी कैश पेमेंट कर रहे हैं हम। इनके ऊपर भी रीडिंग आ जाती है, इनके पास भी क्या अपने पास आती है। How much? 57.12 57? Okay. Can put. How do you not know how to put fuel in the car? Because I'm not from this country. I have come from in my country. What they do means there is a manpower to do everything. Right. So I have hired a car from here to have a road trip up to Edinburgh from London. Right. So I was not knowing it, then one guy was there, I just took his help and he told me it was not difficult, but because it was my first experience, I was having a fear ki it may overflow the tank and I will waste some fuel. That was my concern. You've been spoiled then. Yeah. You were very spoiled then. Thank you. Okay. Okay, bye. When you go for your driving test, to show you how to put fuel okay, in a car. Okay, right. Your country is too soft in you. Right. Okay, thank bye, you. Have thank a nice you. Day. Bye. How don't you know how to refuel and then how to fuel the cars? And I told her ki main yahan se to nahi hu. तो हमारे यहाँ तो आदमी लोग होते हैं वहाँ काम करने वाले, वही करते हैं, हम लोगों को तो पता नहीं है। मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि ये ओवरफ्लो कर जाए टैंक। तो फिर कहते हैं कि यहाँ पर क्या है कि जब ड्राइविंग टेस्ट होता है ना, तो ड्राइविंग टेस्ट में वो देखते हैं और वो पूछते हैं, वो सिखाते हैं, तभी कोई आदमी उसको ड्राइविंग उसको मिलता है, लाइसेंस मिलता है। हाँ। मतलब फ्यूल कैसे डालना है वो भी बताते हैं और ड्राइव कैसे करनी है। तो फिर हमें फाइनल हमें जो होता है कि इधर कंट्री में फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। हाईवे पे जो ना वो 201 का, यहाँ 189 में मिला है पर लीटर पेट्रोल, और वहाँ पे हाईवे पे थोड़ा कॉस्टली था। हाँ जी।